पाकर उनका बिजनेस संभाले। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। और आपको लगा कि मैं उनकी बात मान लूंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा, तो फिर ये सब मुझे क्यों देना चाह रहे हो? फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके पास मदद मांगने गया था, वो तो मीटिंग में बिजी थे ना, और उसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो बेहतर ये होगा कि आप चले जाइए। आम के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप तो जानते हैं आपके पिताजी कितने जिद्दी हैं। वो आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके साथ हुआ उसे भूल जाए और रायजादा ग्रुप को अपना ले। रायजादा तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए, जिसके आप हकदार हैं। आहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहां से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उनकी सारी दौलत भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ। रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। विक्रम उसे ज्यादा हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे वो किसी हालत में चाहिए। उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना है अपनाओ, मुझे आहान हर हालत में चाहिए। यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहां थे तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के समय मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और तुम्हारा फोन क्यों लग रहा है? मैं अभी घर वापस आ गई हूँ, ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन माँ जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ है? तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए तुम्हारे साथ तो आई नहीं। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। नहीं गा, आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी थी। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा, मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर आहान बाहर निकला। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया की